subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन 7 न्यूज आफ्टर अहमद के साथ। जिला बिनौर में थाना सैरकोट क्षेत्र के अंतर्गत 20 नवंबर को थाना सैरकोट पर वादी श्री करीमुद्दीन पुत्र मनीर शाह निवासी ग्राम नूरपुर छिपरी थाना सैरकोट द्वारा अपनी पोत्री सिद्रा पुत्र इरशाद उमर 8 वर्ष के घर के सामने से समय शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच खेलने के दौरान अचानक गायब होने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 337/20 धारा 363 भारतीय पंचायत कराया था। पुलिस द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर लड़की की तलाश हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ थाना प्रभारी सैरकोट PSC डॉग सक्वायर्ड द्वारा जंगल में कॉम्बिंग की गई, किंतु अपहर्ता का पता नहीं चल सका। मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आज पुनः कॉम्बिंग के दौरान वादी के घर से लगभग 150 मीटर दूर झाड़ियों में अपहर्ता उपरोक्त का शव बरामद हुआ है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को रखाना किया गया। अपहर्ता का गला दुपट्टा चुन्नी से घोटा जाना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टि या अन्य कोई प्रतिकूल स्थिति प्रतीत नहीं होती है। सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थाना सैरकोट के नूरपुर छिपरी गांव का मामला है। करीमुद्दीन थाने पर आए थे एक तहरीर के साथ में कि उनकी पोत्री जो लगभग 8 वर्ष की है, 8 से 8.5 5:30 बजे तक खेलते हुए उनके घर के सामने देखी गई। फिर अंधेरा होने पर 5 से 6 के बीच में 8 बजे तक इन लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला। फिर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर आया, अधिकारियों को सूचना दिया। क्षेत्राधिकारी, SP ग्रामीण, फील्ड यूनिट की टीम, डॉग स्क्वाड 1:30 बजे रात तक यहाँ के ग्राम प्रधान, इनके परिजन, ग्रामवासियों के साथ जंगल की कॉम्बिंग की गई। यह भी संभावना बताई जा रही थी कि गुलदार यहाँ बच्चों को या जानवरों को ले जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बकरी को उठा के ले गया था, वो भी संभावना थी। उसको भी दृष्टिगत रखते हुए पूरे जंगल की कॉम्बिंग की गई और आज पुनः कोई प्रतिकूल बात समझ में नहीं आई। आज पुनः कॉम्बिंग प्रारंभ किया। कॉम्बिंग में कुछ पॉइंट, कॉम्बिंग में आज पुनः प्रारंभ किया गया तो घर से करीब 200 मीटर 250 मीटर की दूर जो जंगल भी है तो उसी में डेड बॉडी मिली। जो गले में जो दुपट्टा है उसे रुधा हुआ था, कपड़े उपड़े सब वैसे पहने इंटैक्ट। निरीक्षण जो महिला कांस्टेबल और उससे कोई प्रतिकूल बात नहीं है, लेकिन यह है कि किसी रंजिश में ये लगता है कि गला घोट करके चुन्नी दुपट्टे से किया गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और 363 IPC का अभियोग पंजीकृत है और इसके बाद 302 IPC एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। और हत्या का क्या कारण था ये प्रतीत होता है कि कोई वजह जरूर थी और पुलिस टीम SPRA के नेतृत्व में और जो महिला CO हैं अफजलगढ़ उनके नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। स्वाट सर्विलांस शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, परिवारजनों की क्या किसी से कोई रंजिश थी क्या? अभी क्या मोटिव है, क्या है, सारे पहलुओं पर बिंदुओं पर ध्यान करके गांव के लोग, परिवार के लोग, सीधे साधे सज्जन लोग हैं, गहन बातचीत करके इसका मोटिव ज्ञात किया जाएगा। ये हत्या ही लग रही है, मतलब कोई जानवर या जानवरों का भी कुछ, चूंकि जंगली इलाका घटनास्थल निरीक्षण के अनुभव से जो लग रहा है कि जानवर यहाँ तुरंत उतर देते हैं या वो कर देते हैं जैसे कान पर, तो ये एक घटनाएं यहाँ होती हैं। सर, गांव में शांति व्यवस्था के लिए कोई लाइन ऑर्डर वर्डर का कोई व्यवस्था? लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू नहीं, ये संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशीलता के साथ परिवार वालों से आप बात कर सकते हैं। जिस तत्परता के साथ पूरे जाड़े की रात में जंगल में
फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड जो है पूरा होमवर्क हो चुका था। आज पुनः स्टार्ट करते हैं प्रातः ही 9 बजे के आसपास पूरे जंगल कामने के लिए। और थैंक यू सर। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने पूरी रात इस जगह पर तलाश किया गया लेकिन यहाँ कोई रात में डेड बॉडी नहीं मिली। उनका कहना है यहाँ जो है डेड बॉडी सुबह ही आई है, किसी तरीके सुबह ही आई है, सुबह ही देखी। अब कॉम्बिंग में अब एक कहना, अब इतने लोगों का जमावड़ा था, जो डॉग स्क्वाड की टीम भी थी डॉग हुई, तो उसके कपड़े को सूंघ करके जाना आना बहुत सारे लोग थे, तो उसके भी इफेक्टिव कितना रहता है वो सारे आप लोग जानते हैं। और जो घटनास्थल के निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि इंटैक्ट जैसे था उसको पंचायतनाम पोस्टमार्टम करके भेजा गया।